और keep it in mind, कोई भी same species, एक species, दो categories में नहीं हो सकती, it will be only in any one, किसी भी one category के अंदर होगी, note करने की बात है ना भाई, आप ध्यान से देखो, पहला लिखा हुआ है, कि क्या criteria है, जिस basis में उसका division होगा, पहला criteria, rate of population decline, किस स्पीड से उस स्पीशीज की पॉपुलेशन गिर रही है, डिक्लाइन कर रही है, उस स्पीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। नंबर टू, ज्योग्राफिक रेंज, किस जगह पे वो पाई जाती है उस बेसिस पे। तीसरा, वेदर द स्पीशीज